अकोला 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभाग क्रमांक एक में अकोला मनपा व नगर सेवकों की लापरवाही। अकोटफेल के प्रभाग क्रमांक एक नायगो परिसर स्थित अविनाश देशमुख हॉस्पिटल के सामने महानगर पालिका की लापरवाही तथा नगर सेवकों की अनदेखी के चलते आज नायगो के मुख्य रोड पर जेसीबी पलटी होने से बड़ी दुर्घटना होती होती रह गई, जिसके चलते राहगीरों की जान बाल बाल बची। बताया जा रहा है कि यह जेसीबी खेत में जा रही थी, लेकिन नायगांव के मुख्य रास्तों पर आते ही ये जेसीबी नल दुरुस्त करने के लिए किए गए गड्ढों में जा फंसी। नागरिकों का कहना है कि नगर सेवक व मनपा प्रशासन की लापरवाही के चलते इस रास्ते पर कई हादसे हो चुके हैं। इस ओर संबंधित विभाग द्वारा ध्यान देने की मांग नायगांव परिसर के नागरिक कर रहे हैं। कैमरामैन सईद खान के साथ समीर खान की रिपोर्ट। ये अकोला के प्रभाग एक की ये वाक्य है कि ये हम लोग यहाँ से जेसीबी लेकर जा रहे थे, हमारा प्राइवेट काम था खेत का, और ये नायगांव का ये मेन रास्ता है। ये मेन रास्ते की वजह से हमको इस रोड से ही जाना पड़ा, और ये हमको पता नहीं कि ये गड्ढा 15 फुट का है, और ये 15 फुट का गड्ढा होने की वजह से हमारा जेसीबी यहाँ पर अटक गया है। और यहाँ के लोगों का, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि ये गड्ढा 2-3 महीने से ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर मैंने अभी ठेकेदार को फ़ोन लगाया और ये नगर सेवक से मेरी बात हुई है, नगर सेवक जमीर भाई से। जमीर भाई बताया कि मैं क्या कर सकता उसमें मदद। तो बोलने का मतलब ये है कि नगर सेवक ही इसका जिम्मेदार रहता है, नगर सेवक ही इसको दुरुस्त करके ये लोगों की समस्या हल करे। और यहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और यहाँ के लोगों से में भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को 2-3 महीने से कितनी तकलीफ़ है। ये वार्ड नंबर एक प्रभाग की हालत है कि बताते हुए शर्म होती है कि जब हम यहाँ पे ठेकेदार को बोलते हैं कि ये तू 3-3 बार खोद के क्या कर रहा है, या गाड़ा से गाड़ा फंस जा रहा है, आज ये इतनी बड़ी जेसीबी फंस गई, आप देख सकते हो कि कितनी खतरनाक जेसीबी फंसी हुई है वो। और यहाँ पे से अभी ये नायगांव का सिर्फ मेन रोड एक ही है कि जो अकोला को टच होता है, और आज ये मेन रोड की ये हालत है। कल चल के कोरोना पीरियड है, ये कोई अगर पेशेंट निकलता है, कुछ कम ज़्यादा होता है, तो इसका जवाबदार कौन? ठेकेदार को फ़ोन लगाया तो ठेकेदार बोलता है मेरा अभी और खोदना का बाकी है, मैं और इसको खोदूंगा, पाइपलाइन मेरी लिखी जाए। ना ठेकेदार ने कुछ यहाँ पे किया है बंदोबस्त, ना कुछ करा उसने। हमने उसको 2 से 3 बार मैंने यहाँ रुका के बोला, ये हमारे जाहिद मामू है, यहाँ पर इनका ये घर है, ये यहाँ पर इन्होंने 10 बार उनको बोले, ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं। लगता मेरे को सब मिली जुली सरकार है। अकोला महानगर पालिका की ओर से पानी के पाइपलाइन का काम हमारे प्रभाग क्रमांक एक के नायगांव एरिया के मेन रोड पर शुरू है, और उसकी हालत एक महीने से एक गड्ढा यानी एक लीकेज का काम नहीं हो रहा है। उसके वजह से उधर का रोड बंद हो चुका है, और अकोला महानगर पालिका के तरफ से किसी भी तरह का काम अभी तक वो गड्ढे को लेके नहीं हुआ। नायगांव में जाने के लिए जो ये बोगदा है, ये बहुत छोटा बोगदा है। हाल ही में नायगांव के एक किसान ने अपनी खेत की सफाई के लिए, लेवल के लिए एक जीसीबी बुलाया था। उस जीसीबी की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड के अंदर खप गई, डूब गई। और यही हादसा अगर आम नागरिक यानी कि नायगांव प्रभाग क्रमांक एक के किसी नागरिक के साथ होता है, तो महानगर पालिका इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? इससे पहले भी हम लोगों ने कितनी बार निवेदन दिया, कितनी बार तकरार किया, और बड़ा हादसा अगर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? ये मैं अकोला महानगर पालिका से पूछना चाहता हूँ। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।